हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन, आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों यहाँ पे दो 5G फोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं जो आपको अंडर 35,000 की सेगमेंट पे देखने को मिल जाता है ये दोनों ही फोन, जिसमें जो पहला जो फोन है वो पोको की तरफ से पोको F4 5G जो फिलहाल आज ही इंडिया में लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा रियलमी का GT Neo 2। ये दोनों ही फोन आपको अंडर 35,000 के सेगमेंट में देखने को मिल जाता है, और दोनों ही फोन में आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाती है। अगर इसी प्राइस सेगमेंट में आपको दोनों फोन में से कोई फोन लेना हो तो कौन सा लेना चाहिए बता जाऊंगा। वीडियो शुरू करने से बता जाऊंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहां पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले, तो पोको F4 5G में देखने को मिल जाते हैं 6.67 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको E4 एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको वो डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो और यहां पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे Realme का GT Neo 2 है, वो यहाँ पे भी 6.62 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें भी यहाँ पे भी पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ में 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो और यहाँ पे फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। दोनों ही फोन आपको डिस्प्ले के मामले में दोनों सिमिलर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है जो ये कि यहाँ पे पोको F4 में आपको E4 एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, वहीं पे आपको Realme GT Neo 2 में आपको नॉर्मल आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। ये एक नॉर्मल सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन अगर E4 एमोलेड वाला आप डिस्प्ले का फोन लेंगे तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे बात करें पंच होल कैमरा डिजाइन, तो यहाँ पे पंच होल का जो पोजीशन है वो यहाँ पे फर्क देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले की साइज है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो ऑल ओवर यहाँ पे दोनों ही फोन डिस्प्ले के मामले में आपको सिमिलर लग सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है अगर साइड बाय साइड रखे तो। लेकिन अगर आपको अच्छी खासी डिस्प्ले चाहिए तो पोको F4 5G में देखने को मिल जाती है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो मैंने पहले बताया दोनों ही फोन में आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। स्नैपड्रैगन का 870 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो 7 नैनोमीटर बेसिकल में काम करता है। ऑक्टाकोर पावर है 3.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक कर, यहाँ पे एड्रिनो का 650 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही फोन सेम है, मल्टीटास्किंग, गेमिंग, सारे काम जो भी आपको करने हैं वो सब कुछ यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे दोनों ही फोन में। हाँ, ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अलग अलग हो सकता है, बाकी ऑल ओवर यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो फ्लैगशिप लेवल का देखने को मिल जाता है दोनों ही फोन में परफॉर्मेंस के मामले में। बात करते हैं दोनों फोन के रैम और स्टोरेज की, बताइए यहाँ पे पोको F4 5G में आपको तीन अलग अलग वेरियंट देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज और 12GB रैम, 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको LPDDR5 रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कोई भी कार्ड स्लॉट यानी कि एक्सपेंशन ऑप्शन नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे तीन वेरिएंट आसानी से देखने को मिल जाते हैं। लेकिन बात करते हैं Realme GT Neo 2 की, तो यहाँ पे भी दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज और 12GB रैम, 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, LPDDR4X रैम का सपोर्ट और UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे भी आपको एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा रैम का जो वर्जन है वो थोड़ा सा अच्छा रखते हैं Realme के GT Neo 2 में, तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है और कंपटीशन बहुत ही तगड़ा वाला हो जाता है। लेकिन स्टिल अगर आपको जो रैम और स्टोरेज की बात करूं, तो मुझे पर्सनली यहाँ पे अच्छा लगा यहाँ पे इस दोनों कंपैरिजन में, तो पोको F4 5G का जो रैम और स्टोरेज है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू Realme GT Neo 2 से। बात करें दोनों फोन के रियर कैमरा की, यहाँ पे भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है, इतना ज्यादा नहीं है लेकिन फर्क है, क्योंकि यहाँ पे 64MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है दोनों ही फोन में। लेकिन Realme के GT Neo 2 में आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे आपको पोको F4 5G में आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है प्राइमरी लेंस में। दोनों ही फोन में आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है और 2-2MP के मैक्रो लेंस दोनों ही फोन में देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे दोनों ही फोन में आपको ड्यूल टोन LED देखने को मिल जाती है 4K और 10 तक की, 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे पोको F4 5G में आपको OIS और EIS दोनों का सपोर्ट देखने को मिलता है, वहीं पे आपको Realme GT Neo 2 में आपको सिर्फ EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप 35,000 पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिलना ही चाहिए, तो यहाँ पे पोको F4 थोड़ा सा कंप्लीट कर पाता है इस मामले को, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोनों फोन के सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पे भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। पोको F4 5G में आपको 20MP की पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको F2.4 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा है और
10 तक की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें आपको EIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे Realme GT Neo 2 की बात करूँ तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की पंचर सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.5 एपर्चर के साथ में, जो HDR कैमरा और 10 तक की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और इसमें भी आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ऑन द पेपर ऑब्वियसली पोको F4 5G का जो सेल्फी कैमरा वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू Realme के GT Neo 2 से, क्योंकि यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है जो 35,000 पे करने के बाद भी। और यहाँ पे पोको F4 5G यहाँ पे 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। हाँ, सेल्फी कैमरा के ऑप्टिमाइजेशन डिफरेंस बहुत ही बड़ा हो सकता है, थोड़ा बहुत सिमिलर भी हो सकता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे ऑन द पेपर जो बात करें तो पोको F4 है वो सेल्फी कैमरा के मामले में थोड़ा सा बेटर हो जाता है। दोनों फोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की बदल गए, पोको F4 5G में आपको 4500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 67 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है इन द बॉक्स चार्जिंग एडाप्टर के साथ में, जिसमें आपको एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है MIUI 13 का कस्टमाइजेशन के साथ में। लेकिन यहाँ पे जो Realme GT Neo 2 है उसमें आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें 65 वाट का सुपर डार्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है, जिसमें आपको Realme UI 2.0 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। हालांकि सॉफ्टवेयर थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अब अपडेट के साथ यहाँ पे नया वाला एंड्रॉइड 12 आ चुका है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन स्टिल अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो ऑब्वियसली Realme का GT Neo 2 है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, क्योंकि 5000 mAh की आप यानी कि 2 दिन यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे पोको F4 5G में आपको नॉर्मल सी 4500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाता है। बाकी चार्जिंग स्पीड भी आपको दोनों में इक्वल सी मिल जाती है, ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। बात करते हैं दोनों फोन के कनेक्टिविटी सेंसर, दोनों ही फोन में आपको नॉर्मल सेंसर और सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन में आपको बता दूंगा पोको F4 5G में आपको साइड माउंटेड फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको Realme के GT Neo 2 में आपको इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी टाइप सी का पोर्ट है, दोनों ही फोन में आपको कोई भी 3.5mm कॉर्ड जैक देखने को नहीं मिलता, तो बात ध्यान रखिएगा, अलग से एडाप्टर लगाना पड़ेगा। ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, ब्लूटूथ का 5.2, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट और ड्यूल 5G का सपोर्ट दोनों ही फोन में इक्वल सा देखने को मिल जाता है। और दोनों ही फोन में आपको 10 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में दोनों ही फोन आपको सेम देखने को मिल जाते हैं, फर्क यहाँ पे फिंगर सेंसर की पोजीशन में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों फोन की कलर ब्रांड और प्राइस की, यहाँ पे पोको F4 5G में आपको दो अलग अलग कलर ब्रांड देखने को मिल जाता है। लेकिन प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे जो बेस वेरियंट है 6G वाला वेरियंट वो आपको यहाँ पे 28,000 की सेगमेंट में देखने को मिल जाएगा, दूसरा जो वेरियंट है वो आपको 13,000 की प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाएगा, और तीसरा जो वेरियंट है वो 12G वाला वेरियंट वो 34,000 की सेगमेंट में देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 27th ऑफ जून को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे, तो मैं इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर परचेज कर सकते हो। लेकिन जो Realme का GT Neo 2 है उसमें आपको 3 अलग अलग कलर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है वो 32,000 की सेगमेंट में देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे 12G वाला वेरिएंट है वो 34,000 की सेगमेंट में देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट पे ही देखने को मिल जाएगी, तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों फोन की कंक्लूजन की बात करूं तो कौन सा फोन लेना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा सजेशन होगा कि पोको F4 5G लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखने जाए तो Realme GT Neo 2 की जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ी सी ओल्ड जैसी लगती है, जैसे कि यहाँ पे रैम की जो वर्जन है वो आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ना कि LPDDR5, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा रैम का जो वर्जन है वो थोड़ा सा पुराना देखने को मिल जाता है, जो आपको कैमरा मिलता है उसमें आपको OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, तो ये थोड़ा सा फर्क है। और यहाँ पे आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा फर्क है, अगर अच्छा खासा सेंसर यूज किया होता और OIS का सपोर्ट देता है तो बहुत ही कमाल का हो जाता। दूसरी बात, यहाँ पे जो प्राइस है, जो इसकी स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू पोको F4। अगर पोको F4 5G की जब प्राइस देखने जाओ तो 28,000 में आपको बेस वेरिएंट देखने को मिल जाता है, और उसी की सेम वेरिएंट की बात करूं जैसे Realme GT Neo 2 में, उसमें आपको 13,000 की सेगमेंट में आपको यानी कि 2,000 कम प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा फोन यहाँ पे पोको F4 5G देखने को मिल जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इसी वीडियो इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।